नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका स्वागत है। श्रेष्ठता की परीक्षा? नहीं नहीं विरोचन, श्रेष्ठता का आधार वह तप नहीं जो व्यक्ति को मात्र सिद्धियां और सामर्थ्य प्रदान करे। ऐसा तप को शक्ति संचय का साधना मात्र है। श्रेष्ठ तपस्वी तो वह है जो अपने लिए कुछ चाहे बिना समाज के घोषित, उत्पीड़ित, दलित और असहाय जनों को निरंतर ऊपर उठाने के लिए परिश्रम किया करता है। इस दृष्टि से महर्षि कर्ण की तुलना राजश्री विश्वामित्र नहीं कर सकते। कर्ण के सर्वोच्च प्रतिष्ठा इसलिए है कि वह समाज और संस्कृति व्यवस्थित और समष्टित के उत्थान के लिए निरंतर गुनते रहते हैं। भगवान इंद्र ने विनोद भाव से विरोचन की बात का प्रतिवादन किया, पर विरोचन अपनी बात पर डरते थे। उनका कहना था कि तपस्या में तो श्रेष्ठ विश्वामित्र ही है। उन्हें दिनों विश्वामित्र शिवालिक शिखर पर सर्विकल्प समाधि अवस्था में थे और कर्ण वहां से कुछ दूर आश्रम जीवन यापन कर रहे थे। कर्ण ने आश्रम में बालिकाओं का ही शिक्षण नहीं, बालिकाओं का भी समानांतर आध्यात्मिक, धार्मिक एवं साधनात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। विरोचन ने फिर वही व्यंग करते हुए कहा, भगवान आपको तो स्पर्धा का भय है, किंतु आप विश्वास रखिए विश्वामित्र त्यागी सर्वप्रथम है। तपस्वी के बाद में उन्हें इंद्रासन को कोई लोभ नहीं, तब तो वह आत्मा कल्याण के लिए कर रहे हैं। उन्होंने न झुकने वाली सिद्धियों अर्जित की है। उन्हें सिद्धियों का लाभ तो समाज को भी दिया जा सकता है। भगवान इंद्र ने पुनः अपने तर्क के प्रमाणित किया, विश्वामित्र की सिद्धियों को मैं जानता हूँ विरोचना, किंतु सिद्धियों प्राप्त कर लेने के बाद यह आवश्यकता नहीं है कि वह व्यक्ति उनका उपयोग लोक कल्याण में करे। शक्ति में अहम भाव का जो दोष है वह सेवा में नहीं है, इसलिए सेवा को मैं शक्ति से श्रेष्ठ मानता हूँ, इसलिए कर्णों के विश्वामित्र से बड़ा मानता हूँ। बात आगे बढ़ती, किंतु मारथी संची के आ जाने के विवाद रुक गया, रुका नहीं बल्कि वह मोड़ के लिया। संची ने हंसते हुए कहा, अनुचित क्या है, क्या न इस बात के हाथों हाथ परीक्षा कर ली जाइए। बात निश्चित हो गई, कर्ण को विश्वामित्र की परीक्षा होगी। वह बात कर्णों कान सारी इंद्रियों में पहुंच गई। लोग उत्कृष्टता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। देखे सिद्धि की विजय होती है या सेवा की। निशा देवी ने पहला पांव हम रखा, दीप जले, देव आरती के उनका स्वागत किया गया। दिव्य ज्योतियों से सारा इंद्रियों जगमग जगमग करने लगा। ऐसा समय भगवान इंद्र ने अनुचर को बुलाकर रूप से अपसरा मेनका को उपस्थित करने की आज्ञा दी। अविलंब आज्ञा का पालन किया गया। थोड़ी ही देर में मेनका वहां जा गई। इंद्र ने इस सारी बात समझा दी। वह रात इस तरफ इंद्र में अनेक प्रकार की मनोभाव में बीती। सवेरा हुआ, भगवती उषा का साम्राज्य डलने गया। भुवन भास्कर देव प्राचीक में अपने दिव्य सभा के साथ उठने लगे। भगवती गायत्री के आराधना का सर्वोत्तम उत्सव समय होता है। तपस्वी विश्वामित्र आसन बंद और प्राणायाम समाप्त कर जप के लिए बैठे थे। उनके हृदय में वैराग्य की धारा अहनित बहा करती थी। जप और ध्यान में कोई कष्ट नहीं होता था। बैठते बैठते चित्त भगवान सविता के वर्ग के आच्छादित हो गया। एक प्राण भगवती गायत्री और राजश्री विश्वामित्र दिव्य तेज फूट रहा था।
उनके विखार कृति से पक्षी और वन्य जंतुओं की उनकी साधना देखकर मुक्त हो जाते थे। उनके यह गहन शांति और स्थिरता देखकर पक्षियों को कौलव करने का साहस न होता। जंतु चराचर नहीं करते थे, उनके भय था कहीं ध्यान न टूट जाए और तपस्वी का कोप का भोजन बनना पड़े। शीतप डांटना भूल जाते। वह दिन ही के तृतीय प्रहर में ही डांटते और वह विश्वामित्र की प्रशंसा बढ़ाने के लिए, क्योंकि वह उसे समय वन विहार के लिए आश्रम छोड़ चुके होते थे। किंतु आज उस स्तब्धता का तोड़ने का साहस किया किसी अम्ला नहीं अपसरा। इंद्रपुर जिसकी छवि पर दीपक की लौ पर सलभ की भांति जल जाने के लिए तैयार रहता था, आज उनके अप्रीतम श्रृंगार कर विश्वामित्र के आश्रम में प्रवेश किया था। पायल के मधुर झंकार से वहां का प्राण पुत वातावरण भी सिहर उठा। रौद्र पुण्य की सुगंध का सारे आश्रम में छा गई। जहां अब तक शांति थी, साधना थी, वहां देखते देखते मकरता वैभव और विलास खेलने लगा। दंड और कमंडो ऋषि ने एक और रख दिया। कस्तूरी मुर्ग जिस तरफ से बहलिए की संगीत ध्वनि के मोहित होकर कालातीत होने के लिए चल पड़ता है। सर्प जिस तरफ मेणों का नाद सुनकर लहराने लगता है, उसी प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने अपना सर्वस्व उस रूप से अपसरा के अवचल के न्याछावर कर दिया। सारे भारत वर्ष में कोलाहल मच गया कि विश्वामित्र का तप का भंग हो गया। एक दिन, दो दिन, सप्ताह, पक्ष और मास के बीतते गए और उनके साथ ही विश्वामित्र का तप और तेज भी सकलित हो गया। विश्वामित्र का अर्जित तप काम के 2 कोटी दाम बिक्र गया और जब तप के साथ उनकी शांति, उनका यश और वैभव भी नष्ट हो गया, तब उन्हें पता चला कि भूल नहीं अपराध हो गया। विश्वामित्र प्रायश्चित के अग्नि में जलने लगे। क्रोधावश विश्वामित्र ने मेनका को दंड देने का निश्चय किया, पर प्रातःकाल होने तक मेनका आश्रम से जा चुकी थी। इतने दिन के योग साधना का परिणाम एक कन्या के रूप में छोड़कर विश्वामित्र ने बिलक्षी आत्मा जा के पास भी मेनका को नहीं देखा तो उनकी देह क्रोध से जलने लगी। पर जब अब हो ही गया, क्या सकता, मेनका इंद्रपुर जा चुकी थी। रोती बिखरती कन्या को देखकर भी विश्वामित्र को दया नहीं आई। पाप उन्होंने किया था कि पश्चाताप भी उन्हें ही करना चाहिए था, पर उनकी आंखों में तो प्रतिशोध छाया हुआ था। ऐसे समय मनुष्य को इतना विवेक कहाँ रखना है कि घर व सोचने की मनुष्य अपनी भूले सुधार भी सकता है, और मनुष्य तो अपनी संतान, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के मार्गदर्शन के लिए तथ्य और सत्य को उजागर ही रख सकता है। विश्वामित्र को आत्मकल्याण की चिंता थी, इसलिए उन्हें इतनी भी दया नहीं आई कि वह बालिका को उठाकर उसके लिए दूध और जल की व्यवस्था करते। बालिका को वही विखलता दे छोड़कर वे वहां से चल गए। मध्यास्त वेलाए ऋषि कर्णक लकड़ियां काट कर लौट रहे थे। मार्ग पर विश्वामित्र का आश्रम पड़ता था। बालिका ने रोने का स्वर सुनकर कर्ण ने निर्जन आश्रम में प्रवेश किया। आश्रम सुना पड़ा था। अकेली बालिका दोनों हाथों के अंगूठे मुंह में चूसती हुई भूख को धोखा देने का असफल प्रयत्न कर रही थी। कर्ण ने बोली बालिका को देखा, स्थिति का अनुमान करते हुए उनकी आंखों में उजल उठी। उन्होंने बालिका को उठाया, चूमा और प्यार किया और गले लगाकर अपने आश्रम
की ओर चले पड़े। पीछे पीछे उनके सब शिष्य चल रहे थे। इंद्र ने विरोचन ने पूछा, तात बोलो ना, जिस व्यक्ति ने हृदय में पाप करने का वाले की प्रति कोई दुर्भाव नहीं, पाप से उत्पीड़ित के लिए इतना गहन प्यार भी, उनकी सेवा माता की तरफ करने को तैयार, वह कौन श्रेष्ठ है या विश्वामित्र? विरोचन आगे कुछ न बोले सके। उन्होंने लज्जावश अपना सिर नीचे झुका कर किया। अखंड ज्योति सितंबर 1979 से सावा।